बड़ा मलेरा विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान की लगातार तीसरी सभा। छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा मलेरा विधानसभा में उनकी आज तीसरी सभा है। इसके पहले भी लिधौरा में एक सभा, उसके बाद बक्सवाहा में एक सभा को शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर चुके हैं। आज बड़ा मलेरा में भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील की गई, जिसमें उन्होंने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने ढेला भर का काम नहीं किया। 15 माह उनकी सरकार रही, जिसमें उन्होंने जो वादे किए वह पूरे नहीं किए, और उन्होंने एक मजदूर से मंत्री बनने वाली महिला का अपमान किया है। बड़ा मलेरा में मैंने विकास करवाया, चाहे बड़ा मलेरा में कॉलेज हो या बड़ा मलेरा के किसानों के लिए सिंचाई के साधन। आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बड़ा मलेरा में साइंस कॉलेज और कृषि कॉलेज खोला जाएगा। बड़ा मलेरा में डिवाइडर का कार्य भी होगा। हालांकि सीएम की सभा में ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया और यहां तक कि मंच पर आसीन भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा मास्क भी नहीं लगाए गए। इस सभा में प्रद्युम्न सिंह लोधी के साथ मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्री और विधानसभा प्रभारी हरिशंकर खटीक सहित नेतागण मौजूद रहे।